अस्सलाम वालेकुम वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अपने अपने घरों में खैरियत के साथ होंगे। आज हम ब्रेड कस्टर्ड बना रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। ये हम लोगों ने कस्टर्ड एक पैकेट लेके घोल के रख लिया था, और ये अब हम लोग तवे के ऊपर डबल रोटी को सेकेंगे। ब्रेड को सेकने के हम लोगों ने पहले ऑयल डालना है इसके ऊपर, उसके बाद हम लोग इसको ब्रेड रखेंगे इसके ऊपर। ब्रेड को सेकेंगे अब हम, चीनी डालेंगे इसके ऊपर और ब्रेड सेकेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये नई रेसिपी। हम लोग लेके आप लोगों के साथ हाजिर हुए हैं। मैंने आप लोगों के लिए ये नई रेसिपी, मैंने कहा कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। अब इसमें हम लोग शुगर ऐड कर देंगे। देख रहे हैं आप लोग, 2 चम्मच हमारे पास चीनी है, वही बस हम लोग इस पर ऐड करेंगे। अभी 2 चम्मच चीनी है वो हम इस पर ऐड कर रहे हैं, ताकि ये थोड़ा शाही टुकड़े वाला फ्लेवर देंगे, लेकिन शाही टुकड़े नहीं है, ये ब्रेड कस्टर्ड है। अब ये देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा ये फ्राई हो गए हैं। इसको हम लोगों ने फ्राई करने के लिए रखा था ऑयल डाल के, तो ये माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं कि बहुत मज़े के क्रिस्पी क्रिस्पी ब्रेड आप कर देंगे। आप लोग चाहें तो इसको उसमें भी कर सकते हैं, टोस्टर में भी। मैंने टोस्टर में इसलिए नहीं किया क्योंकि इस पर चीनी लगानी थी मैंने इस वजह से, क्योंकि टोस्टर में अगर आप इसको सेक लेते तो उसके बाद चीनी नहीं लग सकती थी इसमें। ये काफ़ी अच्छे टोस्ट हो गए हैं चीनी डाली है जब मैंने इसमें। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि दूध हम लोगों ने लिया हुआ है। इस दूध के अंदर हम लोग अब ऐड करेंगे शुगर, और शुगर ऐड करने के बाद हम लोग अब इसको दूध को पकाएंगे थोड़ा सा। अब इसको हम पका रहे हैं, पका रहे हैं हम इसको सही से। देख सकते हैं आप लोग, अब इसमें हम लोग कस्टर्ड ऐड करेंगे यहाँ से। पहले थोड़ा सा ऐड किया है, पूरा ऐड कर देंगे हम लोग, सारा डाल देंगे। अभी हम लोगों ने इसमें पूरा कस्टर्ड ऐड कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही मज़े का रवायती कस्टर्ड ये बनने वाला है हमारा। ब्रेड कस्टर्ड हम लोगों ने न्यू रेसिपी निकाली है, आप लोगों को उम्मीद है पसंद बहुत आएगी। ये बहुत मज़े की है ये रेसिपी। अभी हम लोगों ने ये जो ब्रेड सेके हुए हैं तो इसको हम कट करके तो उसमें रखेंगे डिश में, हम लोग उसको डिश आउट कर देंगे कट करके। डिश आउट कर रहे हैं अब हम इसको, सारे कर लिए हम लोगों ने। अभी कस्टर्ड पक चुका है बहुत गाढ़ा, तो दूध हमने को उसमें ऑल्पर्स का इस्तेमाल किया था। आप लोग चाहें तो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये अब हम लोगों ने इस पर ऐड कर दिया, और ये बहुत मज़े का, देखें ब्रेड कस्टर्ड बन चुका है। इसमें हम लोगों ने रूह ऐड किया और बादाम पिस्ते ऐड किए हैं। और हम लोग अपनी दूसरी रेसिपी की जानब चलते हैं, जो हम लोग आज बना रहे हैं आप लोगों के साथ, अंडे वाला सालन। प्याज और अंडे और टमाटर वाला सालन हम आप लोगों के साथ बना रहे हैं। हम लोगों ने प्याज और टमाटर इसके अंदर डाल दिए और लहसुन अदरक वगैरह डाल दिए, तो अब हम इसको भून रहे हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, बड़ी खूबसूरत रेसिपी हम लोग बना रहे हैं आप लोगों के साथ। उम्मीद है कि ये भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो बहुत ही अच्छा खाना होता है, दोपहर में आप लोग बना के ईजीली खा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ईजी सी डिश होती है। एक दोपहर के खाने वालों के लिए तो इजी सी होती है। 3 अंडे हम लोगों ने इसमें ऐड किए हैं चपाटी फ्रेंड्स, 3 अंडे हम लोगों ने इसमें ऐड किए हैं। तो बस ये अब इसको अंडों को हम लोग भूनेंगे, तो ये भुन जाएगा तो बहुत मज़े की शेप में आ जाएगा ये सारा इसका एग। प्याज वाला इसमें प्याज वगैरह भी डाले हैं हम लोगों ने, टमाटर भी डाले हैं। मैं आप लोगों को बता दूँ, प्याज टमाटर एग गर्म मसाला काली मिर्च और लहसुन अदरक हम लोगों ने इसमें गार्निश करके डाल दिया है पीस के। तो बस इसके बाद आप लोग इसको भूनिए, भूनने के बाद बहुत मज़े का बन जाएगा। उम्मीद है कि मेरी दोनों रेसिपीज़ आप लोगों को बहुत ही पसंद आएंगी, क्योंकि मैं बहुत ही मज़े की और आप लोगों के लिए मेहनत करके लेके आती हूँ रेसिपीज़। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी। आटा गूंद लिया हम लोगों ने साथ साथ, तो इसी के बाद हम लोग साथ साथ रोटी भी बना लेंगे। इसी की आटा भी गूंद लिया हम लोगों ने साथ साथ, ताकि इसके साथ दोपहर में घर की रोटी बनाएँ तो ज़्यादा मज़े की लगती है आलू अंडे के साथ। तो आलू तो हम लोगों ने इसमें नहीं डाले। देख सकते हैं आप लोग, बहुत मज़े का ये तैयार हो चुका है हमारा
जो अंडे की रेसिपी हम लोगों ने आज आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा और स्टे कनेक्टेड रहिएगा मेरे साथ। अच्छे अच्छे कमेंट में इजहार करके बताइएगा कि कैसी लगी आज की रेसिपी आप लोगों को, ब्रेड कस्टर्ड की और ये जो हम लोग ने आज बनाया है अंडे वाला सालन और रोटी की, बहुत मज़े का बनाया है आप लोगों के लिए। प्लीज़ आप लोग अपने अपने घरों में ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़रूर पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़। फ़ियामान लवाइटी फ्रेंड्स।